वक्त आते हैं जहां डीजे की तेज आवाज के चलते एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। दुर्गा विसर्जन के जल समारोह में डीजे बज रहा था, बच्चा डांस करने के लिए पहुंचा और अचानक ही बेहोश हो गया। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर का ये मामला है, 14 अक्टूबर शाम की ये घटना बताई जा रही है। घटना को लेकर परिजनों का आरोप है डीजे का साउंड बहुत तेज था, इतना तेज था कि उसे सुनकर बच्चा बेहोश हो गया। 65 डेसिबल से ज्यादा आवाज खासकर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी खतरनाक होती है। देखिए, छोटे से बच्चे की, मासूम की मौत हो गई और वजह डीजे की तेज आवाज। तो देखिए, तेज आवाज से ब्रेन हैमरेज हो जाता है जिसके चलते बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तो ये घटना कैसे, साउंड बढ़ाने से हुई? ये साउंड बढ़ाने से और झूठी कंप्लेंट डीजे वालों ने लिखवाई है। तो ये घटना कैसे, साउंड बढ़ाने से हुई? ये साउंड बढ़ाने से और झूठी कंप्लेंट डीजे वालों ने लिखवाई है। दुर्गा विसर्जन में लोग नाच गाकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन एक परिवार को ये नहीं पता था कि ये डीजे एक परिवार के लिए घातक बन जाएगा या जिंदगी भर का जो जख्म है वो दे जाएगा। समीर बिल्लौरे, एक बच्चा जिसकी उम्र 13 साल थी, लेकिन डीजे पर डांस करते करते वो अचानक बेहोश हुए और अब माँ के पास सिर्फ समर की जो यादें हैं वही रह गई। हम छोटा बच्चा आपका 13 साल का, उसकी यादें हैं, आप यहाँ रहे हैं, कैसे हुआ ये सब, कहाँ था वो बच्चा उस दिन, आप क्या उसके साथ थी जब वो डांस कर रहा था? मैं बाहर ही खड़ी थी रोड पे, बस मेरा लड़का गया और डीजे को ऐसा पकड़ा और डीजे बहुत तेज था, मेरा लड़का फट दिन ऐसे नीचे गिर गया और वहीं तड़पड़ा के उन लोग ने लाए। सब लड़कों पिए भी बहुत थे, नशे में थे, सो लड़के लेके लड़का आया, उठा के मेरी गोद में लेके आया और मेरे लड़के ने बस गोद में ही दम तोड़ दिया था। जी मैम, मैं क्या करती है अकेले, क्या पूछूँ किससे, अपन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जाएंगे। मैं घबराई घबराई हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया इसका हार्ट फेल हो गया साउंड से। बच्चे के बचपन में आपने कहा कि बॉल भी सुकड़ा हुआ था, लेकिन लगातार वो कभी इस तरह की समस्या उसके साथ नहीं आई? बहुत डीजे में नाचा मैम, मेरा लड़का बहुत नाचता था, उस दिन तो वो नाचा भी नहीं था, सिर्फ डीजे को जाके पकड़ के खड़ा हुआ था। पता नहीं डीजे में करंट था क्या था, ऐसे झटके से गिरा और मेरा लड़का वहीं खत्म हो गया। दिल में छेद की बात कही आपने, कहा बॉल भी बस था जो सुकड़ा हुआ? जी है था मैम, मेरे लड़के का बाल में सुकड़ा, वो पर छेद नहीं था, पर अच्छा था मैम, उसकी कभी तबीयत नहीं खराब होती, बहुत खेलता कूदता था। बच्चे के साथ कपड़े बैग आप लेकर बैठी हुई हैं, उसको महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि आपको मैं किससे अपनी यादें मिठाऊं, एक माँ का दर्द तो आप समझ ही सकती हैं, उसके सारे मेरा जीवन था, उससे मेरी खुशी थी। माँ बच्चे के लिए तो जीती, एक घड़ी पत्ती नहीं हो तो चल जाता मेरे लिए, वो तो मेरा सहारा नहीं है माँ बिल्कुल भी। मैं अकेले पालती हूँ अपने बच्चे का, अकेले पालती हूँ, बंगले पे काम करती हूँ सुबह से शाम तक। स्कूल में भी आप पढ़ा रही थी? जी बिल्कुल, स्कूल कोचिंग सब करती हूँ। वो कहता था मम्मी मैं तो बड़ा टीचर बनूंगा और सबको बहुत होमवर्क दूंगा। बस अपने बच्चे की यादें ही रह गई हैं, क्योंकि ये जो बच्चा है पढ़ने में अच्छा था, टीचर बनना चाहता था, लेकिन क्या पता था कि जिस बच्चे को बचपन से ही जो बॉल भय सुकड़े हुए थे, कभी वो परेशान नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसका जो बॉल सुकड़ा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ को नहीं पता था कि जो डीजे की तेज आवाज़ है वो उसके बच्चे की उनसे ज़िंदगी ही छीन लेगा। और बस एक माँ के पास अब यादें ही रह गई हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।